उत्तर प्रदेश सरकार हाथरस मामले में भले ही साजिश की बात कह रही हो, लेकिन बांदा में एक अनुसूचित जाति जनजाति के विधायक ने खुद ही आरोप लगाया है कि उसकी जान खतरे में है और अनुसूचित जाति जनजाति का होने की वजह से उसके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। देखिए क्या है पूरा मामला। एक ऐसी घटना जिसने अब बड़ा राजनीतिक रूप अख्तियार कर लिया है। जी हाँ, खबर बांदा के नरेनी से, जहां विधायक पर हमला हुआ है और इस बात में कोई अफवाह भी नहीं है, क्योंकि हमले का वीडियो भी बनाया गया है जिसमें देखा जा सकता है कि उग्र लोगों ने एक वाहन को घेर रखा है और कुछ लोग गाली गलौज करते हुए हमला भी कर रहे हैं। बांदा के नरेनी क्षेत्र से विधायक बीजेपी राजकरण कबीर का कहना है कि वह बजरंग बली की पूजा करके मंदिर से लौट रहे थे, तभी कुछ अज्ञात लोगों ने उनके ऊपर हमला कर दिया, उनकी गाड़ी तोड़ दी, गाली गलौज की और जान से मारने का प्रयास भी किया। विधायक का कहना है कि उनके क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन व नशे के कारोबार के विरोध में उन्होंने आवाज़ उठाई थी, जिसकी वजह से उनके ऊपर चौथी बार हमला हुआ है। विधायक यहीं नहीं रुके, उन्होंने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि यदि कोई सामान्य वर्ग का विधायक होता तो उसकी सुनवाई होती, लेकिन वह अनुसूचित जाति व जनजाति के विधायक है, इसलिए उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही। आप भी सुनिए क्या कहना है विधायक जी का। तो हम लोग जब दर्शन करके वहां से वापस आए तो देवरार में बीच रोड पर चार छह लोगों ने एकदम लाठी डंडा धारदार हथियार लिए होंगे, दिख तो ज्यादा नहीं रहा था लेकिन बहुत चीजें लिए थे, एकदम मेरी गाड़ी पे चढ़ बैठे और एकदम लात घूंसा गाली गलौज और कांच को तोड़ दिया। इसके बाद एक ने मेरा झपट के मेरी तरफ से खिड़की खोल के गर्दन पकड़ा, जेब से कुछ पॉकेट में क्या था पैसे रुपए जो भी है सब, मतलब चूंकि मैं तो पूजा करने गया था गिनती करके नहीं गया था, और पूरी तरीके से जान से मार डालो वो ले जाके, मतलब उनकी नीयत इतनी भगवान बजरंग बली की मैं पूजा करने गया था, केवल इस वजह से मेरी जान बची। अभी भी मुझे रोना आ गया, पर इसमें यहाँ थे मेरे आंसू आ गए थे, क्योंकि कभी मैं ऐसे काम नहीं करता कि मतलब मुझे दुखी होना पड़े। विधायक जी, ये आपके ऊपर चौथा हमला है, इसके पहले भी आपने FIR की थी, क्या कारण है कि आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, FIR हम लोगों को जनप्रतिनिधि होना हम लोगों की बड़ी कमजोरी है। हमारे पार्टी नेतृत्व तो भी कहता है कि आपको समाज की सेवा करना है, आप चाहे जितने जूते खा ले जी। तो हमारे साथ दूसरा हमारे साथ सबसे बड़ी विडंबना है कि मैं इस जिले का अकेला दलित विधायक हूँ, SC का विधायक हूँ, और कहीं अगर कोई ब्राह्मण सवर्ण या बैकवर्ड का विधायक होता तो वहां लाशें बिक जाती लोगों की। सत्तासीन पार्टी के विधायक जब इस तरह से सवाल खड़ा कर रहे हैं तो निश्चित ही कानून व्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं झोल तो नजर आती है। बांदा में सोनी की लूट जग जाहिर है और जो भी इसके खिलाफ बोलता है उसे दबाने का प्रयास भी किया जाता है। नरेनी विधायक राजकरण कबीर ने सीधे तौर पर बालू माफियाओं पर जान से खतरा होने का अंदेशा जताया है। वहीं विधायक जी एक और बयान दे गए, उन्होंने पत्रकारों के सवाल पर कहा कि जो लोग जीवन यापन के लिए बालू का खनन करते हैं उसे वह अवैध खनन नहीं मानते। तो स्थानीय लोगों ने बताया कि विधायक जी और उन लोगों में सिर्फ अवैध बालू खनन को लेकर ही झगड़ा हुआ है। मैं कभी अवैध खनन नहीं करता, ना कभी मैं जुड़ता हूँ। मेरे क्षेत्र में जो भी अवैध खनन होता है मेरे क्षेत्र के लोग करते हैं तो मुझे कहेंगे रोकने का हो रहा है। भाई मैं तो रोकता हूँ, लेकिन जो भी करते हैं मेरे क्षेत्र की जनता मेरी है। ऐसे कौन लोग हैं विधायक जी जिसका ना गांव वाले नाम बता पा रहे हैं ना ही आप बता पा रहे हैं, ऐसा कौन सा दबंग है जो जिसके बारे में आप नहीं बता पा रहे हैं? कौन है ये बालू माफिया? मैं कह रहा हूँ बालू माफिया एक जगह आप बालू देखेंगे, आप गिरुआ से शुरू करिए, पहले बांदा से गेवड़ी तो कोई चिन्हित आदमी थे क्या? गेवड़ी बाबा में हमला हुआ खनिज अधिकारी पर, बताओ अगर अधिकारी काम करने जाता उस पर भी हमलावर हो जाते हैं लोग, भला ही कानूनी कार्रवाई हुई अच्छी बात है, तो कहाँ नहीं होता। जहाँ जिसका ट्रैक्टर है, जहाँ जिसका गांव है अपना, अगर वो करता है तो उसमें मेरा किया जाता है, मैं क्यों करूँ? लेकिन इसके बाद भी जब मैं शिकायत करता हूँ बड़े पैमाने पे MP से अवैध खनन होता है, जितनी चंदौगढ़ से भर के गाड़ियां आती है, मैंने खनन डायरेक्टर को लिखा है, मनोहर खनन डायरेक्टर को मैंने एक महीने पहले लिखा है, जब जितनी चंदौगढ़ MP का माफिया ठेकेदार बिना रवन्ना के ओवरलोड गाड़ियां लगातार 200-400 गाड़ियां जा रही है, आज तक किसी ने कोई कार्रवाई करी? सर इसके बाद सुनिए, मेरे गांव के इधर पड़ोस का कोई मोटरसाइकिल मिला रहा तो तसले बालू, तो मैं उसका विरोध क्यों करूं? तो क्या लगता है किसकी मिली भगत है इसमें? मिली भगत जो भी है, मैं अवैध खनन कहता हूं, जो बड़े पैमाने पे 100-150 ट्रक 10-10 ट्रक आते हैं, लेकिन मैं ट्रैक्टर की ट्राली पर अगर मेरे क्षेत्र की जनता, बांदा की जनता, मैं कह रहा हूं अगर कहीं की जनता अपना पेट पालती है मैं उसको अवैध खनन नहीं करूंगा। दरअसल सत्ता दल में आने के बाद जनप्रतिनिधियों का ध्यान विकास कार्यों पर कम और बालू के खनन इत्यादि पर ज्यादा होता है। आपको बता दें कि विधायक जी इसलिए कुछ लोगों को बालू माफिया नहीं मानते क्योंकि बहुत से लोग बालू माफिया का खनन करते हैं जो इन प्रतिनिधियों के चहेते कार्यकर्ता भी होते हैं। वहीं जब कोई दूसरा बालू खनन करे तो सही मायने में वह बालू का अवैध खनन होता है,
हालांकि यह दोहरा मापदंड है। इस बारे में प्रशासन को जांच करनी चाहिए, क्योंकि सवाल विधायक राजकरण कबीर ने सीधा सरकार पर खड़ा किया है। वहीं विधायक जी के हमले के क्या कारण थे, यह भी जनता जानना चाहती है। कौन से हमले थे, किन लोगों ने किए थे? आपको मालूम होगा लहुरेटा में मैंने अवैध खनन पकड़ाने के लिए प्रयास किया जी, ट्रक वालों के खिलाफ। अगर मेरे लोग, मेरे सुरक्षा के लोग ठीक ठाक नहीं होते तो उसी समय मेरी हत्या हो जाती। मैंने शुरू में जब मैं विधायक हुआ था, एक कंपनी थी आपकी डिजियाना, कोई कंपनी थी नसेनी घाट नारायणी के बगल से 500 ट्रकों का काफिला खड़ा था, मुझे जाम लगाना पड़ा था अपने, तो जनहित के कामों में मैं कभी पीछे नहीं हटता। लेकिन मेरी भी जान छोटी है, मेरा भी परिवार है, मुझे अपनी सुरक्षा भी चाहिए, मुझे अपनी जान भी प्यारी है। मैं न फार्म हाउस देखने जाऊंगा कौन खनन करता है, न लहुरेटा रोज जाता रहूंगा। बांदा से जीतू श्रीवास की रिपोर्ट।